ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन की शिवरात्रि तिथि, जो कि इस पर्व को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है। साथ ही साथ इस दिन है 14 अगस्त, जो कि गुरुजी करा रहे हैं ऑनलाइन पूजन। और काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारी कोई भी ऐसी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही, हम क्या करें। तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको थोड़ा सा लेना होगा गंगा जल, छोटा सा उपाय करिएगा, जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, पूरी ज़रूर होंगी। यानी उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलो देखो, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि 14 अगस्त को तो गुरुजी ऑनलाइन पूजन कराएंगे। अभी उसकी टाइमिंग डिसाइड नहीं है कितने बजे कराएंगे, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मनोकामना पूर्ति के लिए गंगा जल वाला उपाय समझो। इस उपाय को भी करने के आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आपके पास गंगा जल है, यानी कि आप गंगा जल ही चाहिए, कोई और जल नहीं लेना, गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है गंगा जल तो आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, ठीक है, कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर से पास में बहती हुई कोई नदी जाती हो, कोई तालाब हो, वहाँ तालाब से या फिर उस नदी से दो लोटा जल भरेंगे। कितना? दो लोटा जल भरेंगे। अगर नदी तालाब नहीं है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और दो चार दस बूंद गंगा जल डालेंगे दोनों कलश में, ठीक है। दोनों हाथों में कलश को उठाएंगे, जैसे कांवड़ जल इसको बोलते हैं। जब हम कलश को दोनों हाथों में उठा लेते हैं उस जल को कांवड़ जल बोला जाता है। दोनों हाथों पे लेके जो भी मंदिर आपके घर के आसपास हो, महादेव के शिवलिंग के पास जाना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और कोई से भी महादेव का नाम लेना, जो महादेव का नाम आपको सबसे प्रिय लगता है, सबसे आसान लगता है, उन महादेव का नाम लेके दोनों हाथों से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना। जो भी व्यक्ति महादेव के मंदिर के आसपास को जो भी नदी बहती है वहाँ का जल, कांवड़ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, उसकी जो भी विशेष होती हैं, जो भी मनोकामनाएँ होती हैं, एक महीने के अंदर महादेव पूरी जरूर करते हैं। करके जरूर देखिएगा, सारी विशेष पूरी होंगी। अगर कोई नदी तालाब नहीं है आपके घर के आसपास तो जल भर के उसमें दो चार दस बूंद गंगा जल भर के और दो कलश से सेम तरीके से उपाय को करेंगे, आपकी सारी इच्छाएं, सारी विशेष पूरी जरूर होंगी, ठीक है। बात आई क्या समझ में? तो यहाँ पर एक छोटा सा गुड न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ कि मेरे जो भी भाई बहन हैं मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, दोनों सेम नेम से हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर हमें फॉलो करें। वहाँ पर मैं आप सभी से कॉल पे भी बातें करूँगा और मैसेज पे भी बातें किया करूँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पे आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कुछ पूछना हो तो नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।